जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिंप निर्जय। इसका पांचवा सवाल है सातवां का, परवलय y बराबर x माइनस 3 पूरी की घात 2 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 3, 0 और 4, 1 को जोड़ने वाली रेखा के समांतर। ध्यान दीजिए, जिसमें समांतर बोलता है मतलब उसमें उसकी प्रवणताएं बराबर होती है, क्लियर है। तो समांतर और लंबवत पे आप ध्यान देंगे किसमें समांतर बोला है, तो किसका प्रवणता निकालना है, ये पहला परवलय का और दूसरा दो ठो बिंदु दिया है इसका प्रवणता निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ करके पहले लिख लेंगे क्या दिया है, वाई बराबर x माइनस 3 पूरे घात 2, समीकरण 1 लिख लेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा आपका d by dx, ये y, ये होगा d by dx x माइनस 3 पूरे घात 2, ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, ये डायरेक्ट नहीं होगा इसको t मानना पड़ेगा, ये होगा d बाई डी टी, टी की घात 2। फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स x माइनस 3, चूंकि x माइनस 3 बराबर क्या माने हैं t, क्लियर हो। तो ये डायरेक्ट नहीं होता इसलिए इसको t मान लिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2t होगा, t स्क्वायर का अवकलन 2t, यहाँ पर x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा और 3 अचर राशि से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, t का मान वापस रख देंगे x माइनस 3, यहाँ पर 1 में 0 घटाएंगे 1 ही बचेगा और 1 का गुणा इधर करेंगे तो उतना ही आएगा, इतना आ जाएगा आपका, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3, क्लियर हुआ इतना। या फिर इसको आप सरल तरीके से तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा की प्रवणता, ऐसे लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, तभी क्या हो जाएगा, चाहे तो इसको गुणा कर सकते हैं, गुणा भी हो जाएगा, 2 और 1 से गुणा करेंगे 2x माइनस 2 और 3 को गुणा करेंगे 2 × 3 = 6, क्लियर हो। ऐसा लिखे या इनका गुणा कर दें, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गया। अब निकालना है किसका प्रवणता निकालना है, देखिए बिंदु दिया है तो रेखा बिंदु 3, 0 और 4, 1 को जोड़ने वाली रेखा के समांतर है, तो यहाँ पर बिंदु दिया है 3, 0 और 4, 1, ये हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे दी गई रेखा के बिंदु, तो क्या क्या दिया है 3, 0 व 4, 1। अब इसका प्रवणता निकालना है तो प्रवणता का फार्मूला होता है इसका याद रखेंगे, ये इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। कक्षा 10वीं गणित याद कीजिए, ये आपको मिल जाएगा 10वीं गणित निर्देशांक ज्यामिति में प्रवणता वाला। तो इसका जो प्रवणता का फॉर्मूला होता है क्या होता है, प्रवणता बराबर होता है इसका हो जाएगा, प्रवणता बराबर इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, तो हम मान रख देंगे तो y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 0 बटा x2 का मान 4, फिर बीच में माइनस x1 का मान 3। तो देखिए 1 में 0 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो किसका प्रवणता हो गया, ये हो गया रेखा, तो इसलिए रेखा की प्रवणता बराबर कितना आ गया 1। अब समांतर है बोला है तो इसमें गुणा नहीं करना है ना, लंबवत वाले में गुणा करते हैं, तो इसका रेखा का प्रवणता आ गया 1 और आपका ये वाला स्पर्श रेखा की प्रवणता है 2x - 6, तो दोनों को बराबर में लिखना है, बराबर में तो 2x - 6 = 1 लिखना है। लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है, इसलिए उनकी प्रवणताएं बराबर होगी, इसलिए उनकी प्रवणताएं बराबर होगी, तब क्या हो जाएगा, क्या निकाले थे हम लोग 2x - 6 निकाले थे और बराबर क्या आया 1, 2x - 6 = 1, ऐसे देख सकते हैं 2x
माइनस छः और इसका क्या है आपका एक, यहाँ से हो जाएगा दो एक्स हो गया, ये वन माइनस उल्टा प्लस छः, ये दो एक्स हो गया, छः और एक सात, एक्स का मान निकालेंगे, दो खाएंगे इसके नीचे गुणा है तो भाग में, एक्स का मान सात बटे दो किस में रखना है, समीकरण एक में रखना है, तो हो जाएगा एक्स बराबर सात बटे दो समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या है, जो प्रश्न है वही हमारा समीकरण एक है जो कि शुरू में लिखे हैं, तो ये y बराबर क्या है आपका x माइनस तीन पूरे की घात दो, ये आपका समीकरण एक है। यहाँ पर इसको देख सकते हैं ये वाला, ये समीकरण एक इसी में रखना है। x के बदले क्या लिखना है, सात बटे दो, यहाँ से देखिए x के बदले लिखना है सात बटे दो, ये माइनस तीन हो गया पूरे घात दो, तभी हो जाएगा बराबर, यहाँ से तिरकुड़ा होगा तो हो जाएगा सात तीन दूनी छः, लेकिन दो नीचे में ही रहता है, तभी हो गया सात में छः गया एक, एक बटे दो की घात दो, तो क्या हो जाएगा आपका एक बटे दो गुणा एक बटे दो होगा, तो हो जाएगा एक का में और दो दूनी चार, तो किसका मान है आपका वाई का मान है, और तब बिंदु क्या प्राप्त हो गया, ध्यान से देखेंगे इसका जो बिंदु प्राप्त हुआ है, अतः ये हो गया बिंदु, एक्स को पहले लिखते हैं, एक्स का मान क्या है सात बटे दो, यहाँ पर आया एक्स का मान सात बटे दो, यहाँ पर लिखेंगे एक्स का मान सात बटे दो और वाई का मान क्या है एक बटे चार, ये क्या है इसका उत्तर है। बस इसमें पूरा आपको बस ध्यान देना है, प्रश्न को ध्यान समझ लेंगे, समांतर बोला है तो दोनों को प्रवणता को हमेशा बराबर में लिखना है, और अगर लंबवत बोला है तो दोनों को प्रवणता को गुणा करके बराबर में माइनस वन लिखना है, इसको आपको ध्यान देना है बस, अप्रवणता निकालना है सब में बस।